ब्लू स्टार कंपनी एक इंडियन कंपनी है जिसके मालिक है मोहन अडवाणी और ये एसी बनाने के मामले में इंडिया में टॉप पर है और ये एक इंडियन कंपनी है। सो आप में से कितने लोग जानते थे कि ब्लू स्टार एक इंडियन कंपनी है, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे ही लीडिंग कंपनीज के बारे में, एसी कंपनीज के बारे में जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है अपने एसीज को जो कि है मेड इन इंडिया, और साथ में बात करने वाले हैं उन फॉरेन ब्रांड्स की जो कि इंडिया में अपनी एसीज बेचते हैं। तो आज के इस ब्रांड में हम कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि मेड इन इंडिया के तहत आपको कौन से इंडियन ब्रांड्स को यूज करना चाहिए और कौन से ब्रांड्स मेड इन इंडिया हैं और कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो फॉरेन के ब्रांड्स हैं और आप उनको अभी तक ये समझते रहे कि वो इंडियन ब्रांड है। तो आज के वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं उन ब्रांड्स के बारे में जो कि विदेशी ब्रांड है और हमारे देश में अपने सामान को बेच रहे हैं। सो गाइस पहली विदेशी कंपनी है फिलिप्स। यस फिलिप्स ये एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी है, बट ये इंडिया में इस तरह बिकता है, इस तरह छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसका एसी वगैरह भी आपको मार्केट में इतना ज्यादा बिकता हुआ मिलेगा कि लगेगा जैसे कॉमन है, घर की चीज है। जैसे नहीं बोलते कि घर की चीज है, बहुत इतना कॉमन है कि लोग यही समझते हैं कि ये घर की चीज है, बट नहीं भैया फिलिप्स जो है नीदरलैंड की कंपनी है, अपने घर की कंपनी नहीं है। अगला प्रोडक्ट है जो कि एसी बनाता है इंडिया में और भी प्रोडक्ट्स बनाता है, बट मेन हम एसी की बात करें तो वो है पैनासोनिक। यस पैनासोनिक ब्रांड ये है एक जापान की बेस्ड कंपनी जो एसी के मामले में इंडिया में काफी जानी जाती है, काफी एसी इनका भी बिकता है और इन्हें भी हम लोकल की तरह यूज करते हैं भैया, हर जगह इनके प्रोडक्ट अवेलेबल है। इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है कि इंडियन कंपनीज इनके सामने एडवर्टाइजमेंट नहीं, जो कि इनसे कहीं ज्यादा काम करती हैं, कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगली कंपनी भैया बहुत बड़ा इनका भी नाम है, वो है हिताशी। हिताशी जो है वो एक जापान की कंपनी है, ये भी एसी के मामले में इंडिया में कहते हैं कि हिताशी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, लोग इसको ब्लू स्टार स्टार से कंपेयर करते हो। जब भैया ब्लू स्टार से ही कंपेयर करना है तो जब ब्लू स्टार हमारी इंडियन है तो ब्लू स्टार यूज करेंगे ना, हिताशी का ही यूज करेंगे हम जापान की कंपनी। सो हमें हिताशी के प्रोडक्ट को नहीं यूज करना है, ब्लू स्टार यूज कर लेंगे अपना इंडियन, वो भी अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी है तोशिबा। यस तोशिबा, तोशिबा भी जापान की ही एक कंपनी है, इंडिया में एसी और काफी सारे होम अप्लायंसेस ये बना रही, बट हमें इनके प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना, हमें तोशिबा का एसी यूज नहीं करना है, हम मेड इन इंडिया यूज करेंगे। अगला ब्रांड है मीडिया। मीडिया के प्रोडक्ट्स इंडिया में इतना बिक रहा है कि पूछिए मत, मीडिया का एसी, मीडिया का वॉशिंग मशीन सब बहुत बिकता है, बट आपको पता है मीडिया कहाँ कंपनी, ये है चाइना की कंपनी। यस आपने सही सुना, ये चाइना की कंपनी है और हो सके तो आप बाहर किसी भी देश के सामान खरीद दीजिए, बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल खरीदिए ही मत, क्योंकि ये ऐसे काम करते हैं ना कि घर में भी घुसना है, बात भी करनी है, बेच के भी खाएंगे भी, हम ही से सब कुछ करेंगे और हमें ही आंखें दिखाएंगे। सो इनके प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। अगला प्रोडक्ट है हायर। हायर भी एक चाइना की कंपनी, तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि आपको चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, आप किसी का भी यूज करें, तो हम हायर के एसीज को यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन से एसीज यूज करेंगे उसका मैं लास्ट में आपको दूंगा। 15-16 ब्रांड है इंडियन जो कि बहुत बड़े ब्रांड है, आप उनमें से चूज कर लीजिएगा कोई भी एक, बट चाइनीज कंपनी और बाहर कंपनी तो बिल्कुल नहीं, और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं भैया, इनसे तो हाथ जोड़ लीजिए दूर से कि भैया हम आपको नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट कंपनी है मित्सुबिशी। यस मित्सुबिशी, मित्सुबिशी भी एक जापान की कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स भी काफी वैसे अच्छे होते हैं, बट जब हम इनसे अच्छे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम उन्हें यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो एसी इंडिया में बहुत ज्यादा बेचता है वो है सैमसंग। यस सैमसंग, सैमसंग जो है हमारी साउथ कोरिया की कंपनी है, ये भी इंडिया में बहुत ज्यादा एसी बेच रहे हैं और सैमसंग डॉट शायद साउथ कोरिया वाले इतना ना यूज करते हो या उनको सैमसंग का नाम इतना नहीं पता होगा जितना हम इंडियंस इस प्रोडक्ट को जानते हैं, बट हमें आज से सोचना है कि हम नहीं यूज करेंगे इनके प्रोडक्ट्स, हम यूज करेंगे इंडिया के प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया बनाएंगे, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करवाएंगे, अपने देश को सपोर्ट करेंगे, पहली प्रायोरिटी अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को देंगे, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है आपकी आपकी पसंद से काम नहीं कर पा रहे इंडिया वाले तो आप बाहर के प्रोडक्ट्स खरीदिएगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंडियन प्रोडक्ट्स को ही दीजिएगा। नेक्स्ट है डैकिन। डैकिन एसीज जो है ये भी एक जापान बेस्ड कंपनी है, ये भी एसीज बनाती है और डैकिन के एसीज इंडिया में बहुत ज्यादा बिकते हैं, बट हमें डैकिन की एसीज को भी यूज नहीं करना है, हम यूज करेंगे मेड इन इंडिया ब्रांड्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसकी मैं बात करने वाला हूं उसका बचपन से शायद एड देखते आ रहे होंगे अपने टीवी चैनल्स पे, वो है वर्लपूल। यस वर्लपूल के एसीज भी मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, बट हमें वर्लपूल के भी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है। यस वर्लपूल एक यूएस बेस्ड कंपनी है, हमें इनके भी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है एलजी। एलजी ऐसा लगता है नाम सुन के जैसे कि इंडियन प्रोडक्ट हो, बहुत टाइम से चला आ रहा है इंडियन में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इसे होल्ड करती है और ये भी एक साउथ कोरिया की कंपनी है। इसके जगह हम अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, वो आप लास्ट में देखिएगा कि कौन से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया बनाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बुश। बुश भी एसीज बनाती है और ये एक जर्मनी की कंपनी है। बुश के प्रोडक्ट्स इंडिया में मैकेनिकल प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा है, बट फिलहाल इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक रेंज भी लॉन्च कर दी है, सो इंडिया में इनके बुश के एसीज भी अवेलेबल है काफी ज्यादा।
ACs, कूलर सब कुछ अवेलेबल, बट इनके भी प्रोडक्ट हमें परचेज नहीं करने हैं। एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें लोग यहाँ पे इंडिया में नाम लेते हैं जनरल, कहेंगे जनरल का एसी यूज करेंगे, फुल कॉपर आता है, बहुत अच्छा है भैया, बट इनसे अच्छे एसी हमारे मार्केट में अवेलेबल है तो हम वो यूज करेंगे, क्यों जाए हम जापान की इस जनरल कंपनी के लिए, तो हम वो जनरल के प्रोडक्ट्स को भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो वो है कैरियर, यस कैरियर एसी। कैरियर भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, कैरियर भी एक यूएस की कंपनी है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेस कर रही है और शायद ही ये यूएस में इतने प्रोडक्ट बेच पाते होंगे जितना ये इंडिया में बेचते हैं, क्योंकि जितना इंडिया वाले इसको हाथों हाथ लेते हैं उतना तो यूएस वाले भी नहीं खरीदते होंगे इसे। सो हमें इन सबको बंद करना है, परचेस करना है, इनके प्रोडक्ट नहीं परचेस करने हैं। सो ये हो गई बात बाहर की कंपनियों की। अब बात करते हैं हम अपनी इंडियन कंपनीज की, कौन सी ऐसी इंडियन कंपनीज है जो कि इंडिया में रहते हुए बहुत बड़े बड़े से नाम है, बहुत बड़ी बड़ी सी कंपनीज जो इंडिया में रहकर इंडियन एसी बना रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बात करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स की और उन इंडियन एसीज की जो करनी है आपको यूज और जो अब आपसे आगे से करेंगे परचेज। पहला इंडियन एसी है लॉयड, बिल्कुल सही सुना आपने, लॉयड एसी इंडियन है और ये हैवल्स प्रोडक्ट का है, हैवल्स भी इंडियन है और जो लॉयड है वो हैवल्स का ही एक प्रोडक्ट है और इसको ओन करते हैं कीमत राय गुप्ता जो कि एक नोएडा बेस्ड कंपनी है और एक हैवल्स इंडियन है। तो आप लॉयड की एसी यूज करिए, लॉयड का एक जानते हैं कितना अच्छा ब्रांड आ रहा है, ये कितना एसी इसका चल रहा है, काफी प्रॉमिसिंग ब्रांड है। सो आप इसके लिए जा सकते हैं, आप इनके प्रोडक्ट को यूज करिए, ये मेड इन इंडिया है, 100% इंडियन है ये, सो आप इनके प्रोडक्ट को बिना किसी झिझक के यूज करिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गोदरेज, गोदरेज एसीज बहुत बड़ा नाम है इनका भी, गोदरेज के एसीज भी मार्केट में बहुत अच्छे एसी आते हैं और गोदरेज कंपनी है, वो गोदरेज फैमिली के द्वारा ओन की जाती है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये भी एक इंडियन कंपनी है, आप इनके प्रोडक्ट्स को यूज करिए, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इनकी एसी की क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। मेरे घर में दो एसी इंस्टॉल्ड है और दोनों के दोनों मेरे घर में गोदरेज के ही यूज किए जा रहे हैं। सो आपसे उम्मीद है आप इनके प्रोडक्ट्स के लिए जाइए, प्रोडक्ट्स इनके भी काफी अच्छे होते हैं, और भी जो मैं लिस्ट बताने वाला हूँ लंबी सी इंडियन प्रोडक्ट्स की आप उसके साथ जाइए। अब बात करते हैं सबसे बड़े एसी जॉइंट की, वो है वोल्टास। यस वोल्टास जो है ये एक टाटा ही ब्रांड है और टाटा कितना बड़ा नाम है इंडिया में और टाटा रतन टाटा जी हमारे कितने बड़े नोबेल इंसान है, तो हम इनको भी क्यों ना सपोर्ट करें इस टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में रतन टाटा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर हम बात करते हैं डोनेशंस की, इन्होंने कितना डोनेशन दिया, कितना कुछ इन्होंने इंडिया के लिए किया आप सब जानते हो, तो हम कम से कम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम बाहर के एसी ना खरीद करके रतन टाटा जी के ब्रांड यानी वोल्टास के एसी को परचेज करके कम से कम उनका साथ दे सकते हैं, कुछ नहीं तो इससे अपनी देश का साथ मिलेगा, अपने देश को मजबूत करेंगे, देश की इकोनॉमी मजबूत करेंगे और रतन टाटा जी को भी इसी तरह एक थैंक यू दे सकते हैं कि आप हमारे लिए इतना करें तो कम से कम हम आपके प्रोडक्ट को तो परचेस कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है उषा। यस उषा ब्रांड नाम से ही फिलहाल ये इंडियन लगता है, बट उषा ब्रांड जो है इंडियन ही है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इनके भी एसीज मार्केट में आ रहे हैं। होम अप्लायंसेस के मामले में आप जानते हैं उषा कितना ज्यादा पॉपुलर रहा है पहले से, बट इनका एसी भी मार्केट में धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो चुका है और उषा एक बहुत ही ट्रस्टिंग ब्रांड है, इंडिया में बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग उषा पे, जो उषा यूज कर रहे हैं शुरू से वो कभी उषा के ऊपर से हटना नहीं चाहते, उनका ब्रांड यूज करना बंद नहीं करना चाहते, तो उषा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्रांड है, आप इनके लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है ब्लू स्टार। यस ब्लू स्टार एक इंडियन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मोहन आडवाणी इसे ओन करते हैं और ये एक इंडियन ब्रांड है और ब्लू स्टार एक जायंट है, कह सकते हैं एक सबसे बड़ी कंपनी ऐसी है, ब्लू स्टार वोल्टास ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जो बाहर की जितनी भी कंपनी है उनसे अच्छे मॉडल है, उनसे अच्छी सर्विसेज ये दे रहे हैं, सब कुछ उनसे अच्छा है, तो हम क्यों उनके लिए जाएं, जब इतने बड़े बड़े एसी के जायंट्स हमारे देश में खुद हैं, जो हमारा देश इतने अच्छे अच्छे एसी बना रहा है, तो हम क्यों बाहर की कंपनीज की एसी को परचेज करें। अगली कंपनी है वो है हमारी वीडियोकॉन। यस वीडियोकॉन एक इंडियन कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और वेणुगोपाल धूम इसके मालिक हैं। यस तो ये एक इंडियन कंपनी है और वीडियोकॉन काफी प्रॉमिसिंग ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, आजादी से पहले इन्होंने कंपनी शुरू कर दी थी और आज के टाइम में ये एसी के जॉइंट्स हैं, एसी और होम अप्लायंसेस टीवी ये सब कुछ ये बना रहे हैं, बट अगर हम बात एसी की कर रहे हैं तो आप एसी के लिए इनके बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के इनके एसीज होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार 1 टन 2 टन जितना भी आप चाहें आप इनके प्रोडक्ट्स के लिए जा सकते हैं और परचेस कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट। नेक्स्ट ब्रांड है ओनिडा। यस आपने बिल्कुल सही सुना, ओनिडा ओनिडा एक इंडियन कंपनी है, मुंबई में हेडक्वार्टर इसका और इसके मालिक हैं गुलू मनचंदानी। यस गुलू मनचंदानी इसके ओनर हैं और ये एक इंडियन कंपनी है और ओनिडा भी बहुत पुराना ब्रांड है, काफी ट्रस्टिंग ब्रांड है और टीवी के मामले में बहुत बड़े जायंट रह चुके हैं ऑलरेडी, तो एसी के मामले में भी ये काफी अच्छे हैं, इनके एसी इंडिया में काफी अच्छे माने जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के एसी इनके माने जाते हैं, तो आप ओनिडा के एसी को भी परचेज कर सकते हैं। आईएफबी भी इंडिया में एसी बनाता है और इसे ओन करते हैं इंडियन फाइन ब्लैंक्स। यस इंडियन फाइन ब्लैंक्स इसे ओन करते हैं और आईएफबी एक इंडियन ब्रांड है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आप इस कंपनी के लिए जा सकते हैं, इनके एसीज को परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के एसीज ये बनाते हैं और इनके एसीज भी कॉपर बेस्ड और एल्युमिनियम बेस्ड दोनों आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है वो है कैनस्टार। यस कैनस्टार एसी ये भी एक वीडियोकॉन का प्रोडक्ट है और ये मुंबई में बेस्ड है इसका हेडक्वार्टर, सो कैनस्टार एसीज के लिए भी आप जा सकते हैं, ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और काफी अच्छे ब्रांड्स इनके भी होते हैं, तो आप उन्हें भी परचेज
कर सकते हैं। एक और एसी कंपनी है जो इंडिया में काफी अपने एसी को सेल कर रही है, वो है सिम्फोनी कंपनी। ये भी मेड इन इंडिया कंपनी है, इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है। आप इनके प्रोडक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं, आप इनके एसी को भी परचेज कर सकते हैं और इनके एसी भी काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो बिल्कुल जाइए, आप इनके एसी को परचेज करिए, खरीदिए और यूज करिए इनके प्रोडक्ट्स को। एक और कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बना रही है, वो है ओरिएंट। यस, ओरिएंट एक सीके बिरला के द्वारा ओन की हुई कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। सो आप इनके प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकते हैं, ओरिएंट की एसीज को परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी एसीज हैं इनकी मार्केट में। सो ये भी एक बहुत बड़े जायंट्स हैं एसीज के मामले में और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। सो होप गाइस आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कौन से ब्रांड्स इंडियन थे, कौन से बाहर के ब्रांड्स थे, कौन से एसी आपको परचेज करने हैं, कौन से नहीं परचेज करने हैं, कौन से मेड इन इंडिया है, कौन से मेड इन इंडिया नहीं है। सो ये हमारा फिफ्थ एपिसोड जो था आज आपने देखा। इस एपिसोड से आपको शायद बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स की जानकारी जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे कि वो इंडियन है भी और कौन सी ऐसी कंपनीज थी जो इंडियन नहीं है। सो गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया, और नहीं आया समझ में तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया है वहां से मुझे फॉलो करके आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी कुछ नया मेड इन इंडिया का ही लेकर के आएंगे। इस सीरीज का 6th एपिसोड जो कि बहुत जल्दी अपलोड होगा, सो उसमें बात करेंगे काफी इंडियन प्रोडक्ट्स की। फिलहाल तब तक के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर मैं इतना कर रहा हूं अपने देश के लिए, आपके लिए, सो आप मेरे वीडियो कम से कम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचे, हर कोई इस वीडियो को देख सके और सीख सके और सपोर्ट कर सके मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और वो भी बन सके वोकल फॉर लोकल, जैसे कि मैं बन रहा हूं, आप बन रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर इंसान के फोन में ये वीडियो पहुंच जाए और वो देख सके हमारे वीडियो को, और जो हमारा ये मिशन चल रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसे हम सक्सेस बना सके। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।